एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी गॉर्जियस। मैं हूं निधि और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना नायका हॉल। मैंने नायका से कुछ चीजें परचेज की थी, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। सारी चीजें मैंने आज ही परचेज नहीं की हैं, कुछ चीजें मैंने न्यू ईयर सेल में परचेज की थी, कुछ चीजें मैंने रिपब्लिक डे सेल में परचेज की थी और कुछ चीजें मैंने अभी वैलेंटाइन डे सेल में परचेज की है। क्योंकि जब भी नायका पे कहिए या फिर आप किसी भी साइट पे कहिए, सेल्स आती रहती है, तो जब जब मुझे चीजों की जरूरत पड़ती रहती है या मुझे लगता है अब मुझे ये ट्राई करना है, तब मैं उसको मंगाती हूँ। और एक एक दो दो चीजें आपके साथ शेयर करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए जब कुछ चीजें मुझे लगता है अब यार काफी सारी चीजें ये हो गई हैं, चलिए एक हॉल आपके साथ शेयर कर देते हैं मैंने क्या क्या मंगाया है, देन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये शायद एक डेढ़ महीने बाद मेरा कोई नायका हॉल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो चीजें काफी सारी हैं, इसलिए मैं एक ही वीडियो में आपके साथ इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, दो वीडियोस में इंक्लूड कर रही हूँ। तो चलिए आप देख लेते हैं मैंने क्या क्या चीजें मंगवाई हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है मेरा नायका का बॉक्स, तो नायका से क्या क्या परचेज किया है वो देख लेते हैं। और आप ये बिल देख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कई बार में चीजें आई हैं, तो ये है नायका के सारे बिल्स, ये आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ खुद ही परचेज किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नायका ने भेजा है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सब चीजें मैंने खुद अपने पैसों से परचेज की हैं। तो चलिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या चीजें परचेज की हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं मैंने परचेज किया है ये बॉडी स्प्लैश, ये है लेयर वॉटर गर्ल का बॉडी स्प्लैश और ये काफी अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। इससे पहले मैं एक और यूज कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस बार इसका ये दूसरे वाला वेरिएंट मंगवाया है। सबकी प्राइसिंग आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मैं देती हूँ, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो ये मैंने मंगवाया है फर्स्ट प्रोडक्ट। और सेकंड जो मैंने मंगवाया है, जो कि मैंने नायका की रिपब्लिक डे सेल में से मंगवाया था, वो है ये मकैफीन ग्रीन टी फेस वॉश। और इनकी ये रेंज ना मुझे बिल्कुल प्लम जैसी लगती है, जैसे कि प्लम की ग्रीन टी रेंज आती है बिल्कुल वैसी ही लगती है। आप इसको ट्राई करके देखना ये किस तरह का है। तो मैंने ये फेस वॉश मंगवाया है और इसमें ना आपने बहुत सारे नायका हॉल्स अगर देखे होंगे उस टाइम के, तो आपने देखा होगा सबको इसके साथ में ना एक बॉडी पॉलिशिंग किट फ्री मिल रहा था, तो इस तरह की पैकेजिंग में कुछ ये आया था। और बस ये हॉल शेयरिंग हुआ है तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो आप देख सकते हैं इस तरह की ये कुछ पोटिली टाइप है और ये इसके अंदर दो प्रोडक्ट मुझे मकैफीन के ही मिले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, एक है ये बॉडी स्क्रब और सेकेंड है ये बॉडी बटर। ये छोटे छोटे से पैकेज हैं, ये मुझे मिले हैं और आई थिंक इनकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 30 ग्राम, जो कि काफी अच्छी है यार। इसको मैं ट्राई करके देखूं क्योंकि मैंने इसका बॉडी जो स्क्रब है वो यूज नहीं किया और इसके रिव्यू बहुत ज्यादा अच्छे हैं कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया। तो ये मुझे इस तरह के जार में मिले हैं, तो मैं इसको ट्राई करके देन आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह के हैं ये। और इसमें स्मेल कॉफी वाली आ रही है, तो बॉडी बटर का पता नहीं मैं इसको यूज करूंगी या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मुझे चॉकलेट की स्मेल अच्छी नहीं लगती है इस कॉस्मेटिक्स वगैरह में, लेकिन देखते हैं किस तरह का है। तो ये इस तरह के क्यूट से छोटे छोटे जार मुझे इसके साथ मिले हैं और इस तरह की स्पोटली भी मिले हैं। तो सेकेंड प्रोडक्ट है ये। और थर्ड मुझे मैंने लिया है ये लोटस मेकअप का बीबी क्रीम, और ये मैंने सोचा कोई नई बीबी क्रीम यूज करते हैं क्योंकि मैंने फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स और गार्नियर काफी सारी बीबी क्रीम यूज की है, तो मैंने ये वाली मंगवाई है, तो ये भी काफी अच्छी है। तो इसका रिव्यू आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी क्योंकि ये मेरे पास न्यू ईयर से आई हुई पड़ी हुई है और मैंने इसको 3-4 बार यूज भी कर लिया है, तो इसका रिव्यू आपके साथ में हो सकता है मैं 1-2 दिन में ही आपके साथ शेयर कर दूं। तो नेक्स्ट मैंने लिया है ये, और इसके अलावा मैंने लिया है ये हिमालया का क्लेरिफाइंग टोनर, और इसकी भी बहुत ज्यादा तारीफ सुनी थी। तो इससे पहले मैं अभी प्लम का टोनर यूज कर रही थी, प्लस उसके बाद मैंने वेयर सीसी का यूज किया है, अब मैंने सोचा चलो हिमालय का यूज करके देखते हैं। स्मेल बहुत अच्छी है गाइस, इसकी बहुत अच्छी स्मेल है, इसको भी मैं 3-4 बार यूज कर चुकी हूँ, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और काफी ये तो अफोर्डेबल भी है, 95 रुपीज का, और ये आपको डिस्काउंट में 87-85 में मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट मैंने ली है ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम वाइट ब्यूटी, ये तो सभी जानते हैं कि कितनी अच्छी है, तो मैंने नेक्स्ट ये ली है। इसमें भी आप दो शेड सारे लगे हैं, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा व्हाइटिश शेड लें, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने लिया है ये हिमालय का काजल, यू कैन सी ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है क्योंकि मैं बच्चों को हिमालय का काजल ही यूज करती हूँ उनकी आईज पे। इससे पहले मैंने बायोटिक का खरीद लिया था, इतना ज्यादा स्मच करता है, इतना ज्यादा स्मच करता है जो इस तरह की पैकेजिंग में आता है, इस तरह का जो काजल आता है, आप बायोटिक का लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज उसे ना ले तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आंखों में इतना ज्यादा फैलता है, बहुत ही ज्यादा। तो मैं ये वाला यूज करती थी और अब मैंने वापस से मैं इसी पे आ गई हूँ, तो मैंने ये मंगवाया है, ये मैंने दो मंगवाए हैं, एक मैंने निकाल लिया है और सेकंड ये है, क्योंकि मैं दोनों बच्चों की आईज में एक ही काजल यूज नहीं करती हूँ, अलग अलग यूज करती हूँ, क्योंकि यार सबकी आईज अलग अलग होती है, पता नहीं किसी को अगर
इरिटेशन है तो वो दूसरे को भी हो जाती है, इसलिए मैं दोनों बच्चों की आईज में अलग अलग ही यूज करती हूँ। और नेक्स्ट मैंने मंगवाई है ये बायोटिक की क्रीम, ये बायोटिक की बेबी क्रीम है और ये बहुत अच्छी है। मैं अपनी छोटी वाली बेटी में यही यूज़ करती हूँ, उसके चीक्स पे इतना सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी क्रीम है ये। तो एक तो ख़त्म हो चुकी है तो मैंने नेक्स्ट भी यही मंगवाई है, क्योंकि सॉरी यार बाहर बहुत, क्योंकि ये क्रीम काफ़ी अच्छी है विंटर्स के लिए। और अभी तो थोड़ी सी सर्दियां हैं, थोड़ी ठंडक है, तो अभी अब मार्च तक तो ये क्रीम मैं उसको लगाती ही हूँ, और वैसे भी उसकी स्किन थोड़ी ड्राई है तो उसको चल जाती है। तो मैंने ये नेक्स्ट मंगवाई है, बहुत अच्छी है, 65 रुपीज़ की है, बट आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा और बहुत अच्छी है। अगर आपके बच्चे को की स्किन थोड़ी ड्राई है तो आप उसको एक बार ये ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी है, आप अपने लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने लिए हैं ये बेला के कॉटन पैड्स, क्योंकि इनकी ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। मैंने पर्पल से ही मंगवाया था, लेकिन पर्पल से तो क्या था ना, मुझे बस कार्ट पे थोड़ा सा कुछ ऐड करना था तो मैंने उसमें ये ऐड कर लिए थे, लेकिन इससे तो मैंने ये इंटेंशनली मंगवाए हैं, मतलब मुझे चाहिए थे, मेरे ख़त्म हो गए थे, मैंने ये मंगवाए हैं। काफ़ी अच्छे हैं, वाइप्स को कहते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसलिए मैंने उनको अब मंगाना बंद कर दिया है, अब इसी से ही मेकअप रिमूव होता है, तो ये कम से कम हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट मैंने मंगवाया है ये वादी का लिप बाम, और ये बड़े वाली पैकेजिंग है इसकी, आई थिंक ये 10 ग्राम पैकेजिंग है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। मैं इसके 2-3 टब यूज़ कर चुकी हूँ छोटे वाले, इस बार मैंने ये बड़ा वाला मंगवाया है और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, ये आपको मिल जाएगा, ये मैंने आई थिंक 52 रुपीज़ का है, इस पर भी आपको डिस्काउंट मिलता है, ये आपको 45 या फिर 40 रुपीज़ तक में मिल जाता है। और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और बहुत ही, मतलब आपने बच्चों को भी यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं है, सबसे अच्छी बात है इसमें कोई कलर नहीं है, कलर वाली बात यूज़ नहीं करने चाहिए। और ये लिप को लाइट करने का काम करता है, क्योंकि मैं इसके 2 टब यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे अपने इस पर फ़र्क लगा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत अच्छा है। बट ये मार्केट में नहीं मिलता है यार, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको इसको खरीदना पड़ता है, और 50 या 40 रुपीज़ में ना आपको कोई भी ऑनलाइन चीज़ आपको घर पे ऑर्डर नहीं होती है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है, लेकिन ये मार्केट में यार आना चाहिए, ये काफी अच्छा है, तो मैंने ये मंगवाया है नेक्स्ट। और इसके बाद मैंने मंगवाए हैं ये 3 पॉकेट परफ्यूम्स, यू कैन सी, ये फर्स्ट है यार्डले का परफ्यूम, ये है ऑटोमन ब्लूम, ये मंगवाया है क्योंकि इनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ, तो मैंने ये छोटे छोटे परफ्यूम्स मंगाए। एक मैंने ये एनचेंटोर का रोमांटिक बॉडी परफ्यूम मंगवाया है, ये भी पॉकेट परफ्यूम ही है, एक मैंने ये मंगवाया है, प्लस मैंने एक ये मंगवाया है एंगेज का डे एंड नाइट परफ्यूम, ये 2 तरफ से है, आप इसको 2 तरफ से यूज कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, या आप इसको इधर से भी यूज कर सकते हैं, प्लस आप इसको इधर से भी यूज कर सकते हैं, ये 2 तरफ से यूज हो जाता है, तो इसमें क्वांटिटी भी काफी अच्छी है, इसमें आई थिंक आपको इसमें 400 स्प्रेज मिलते हैं, और इनमें इसके ऊपर मेंशन नहीं है कितने स्प्रे मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको 400 स्प्रे मिलते हैं, जबकि इसका जो सिंगल वाला आता है ना उसमें आई थिंक 60 स्प्रे होते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा है, और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, दोनों साइड से आपकी इसकी स्मेल आप लेंगे, इसमें अलग अलग डी परफ्यूम है तो दोनों तरफ से आपको इसमें अलग स्मेल मिलेगी। तो मैंने खरीदे हैं ये 3 पॉकेट परफ्यूम्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कहीं भी जाइए आप बस अपने बैग में रखिए और आपका काम खत्म। और ये आप देख सकते हैं मेरा बॉक्स हो गया है खाली, और ये बिल्स आप देख सकते हैं अभी भी इसमें पड़े हुए हैं। तो यही थी मेरी नायका की शॉपिंग जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आप देखिए वीडियो इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी थोड़ी 2 में डिवाइड कर रही हूँ तब भी वीडियो 9 मिनट की हो गई है, और अगर मैं सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दूंगी 15 मिनट की जाएगी, आप लोग देखेंगे नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन प्लीज़ वीडियो भी लाइक किया कीजिए, वीडियो को देखा भी कीजिए, और जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।